हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, इंग्लिश सीखते वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है वर्ड मीनिंग्स में। हिंदी में तो हमें सब चीज़ें पता होती है, लेकिन उनके इंग्लिश मीनिंग ना पता होने की वजह से हमारी इंग्लिश कमज़ोर रह जाती है और हम किसी के सामने ठीक से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आज के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए 100 ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम सभी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते हैं। इन सभी वर्ड्स के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा, जिससे कि आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करके आसानी से खुद के सेंटेंसेस बना पाओ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 100 डेली यूज वर्ड्स, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है बोदर, BOTHER, बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड यू केम टू मीट मी, मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट वर्ड इज इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस इनजस्टिस वॉन्ट बी टॉलरेटेड, यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। अगला वर्ड है हमारा लॉयर, LAWYER, लॉयर। लॉयर का मतलब होता है वकील। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज सोशल, SOCIAL, सोशल। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगला वर्ड है वुड, WOOD, वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल या यह मेज किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बिट, BIT, बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, आई एट अ बिट ऑफ चॉकलेट, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है फालतू। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू समय नहीं है। नेक्स्ट गोल, GOAL, गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। एग्जाम्पल देखिए, हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका लक्ष्य एक डॉक्टर बनना था। नेक्स्ट लाई, LIE, लाई। लाई का मतलब होता है झूठ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ लाई, यह एक झूठ है। नेक्स्ट वर्ड सर्व, SERVE, सर्व। सर्व का मतलब होता है परोसना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सर्व अस फूड, कृपया हमें खाना परोस दो। नेक्स्ट ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। फॉर एग्जाम्पल, यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगला वर्ड है हमारा वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है दौलत। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो वेल्थ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। नेक्स्ट बीट, BEAT, बीट। बीट का मतलब क्या होगा, पीटना। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो। अगला वर्ड है सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज पे योर रेंट सून, कृपया अपना किराया जल्दी दे दो। अगला है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, क्या आपके पास कोई हल है। नेक्स्ट वेस्ट, WASTE, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अगला वर्ड है गैदर, GATHER, गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड 100 पीपल हैड गैदर्ड देयर, वहाँ लगभग 100 लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट परचेज, PURCHASE, परचेज। परचेज का मतलब क्या होगा, खरीदना।
फॉर एग्जाम्पल, आई विल परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं एक कार खरीदूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ दिस क्लोथ इज 10 meters, इस कपड़े की लंबाई 10 meter है। अगला वर्ड है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। नेक्स्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। फॉर एग्जाम्पल, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, कभी भी अवसर मत गवाओ। नेक्स्ट प्राइज, PRIZE, प्राइज। प्राइज का मतलब होता है इनाम। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन अ प्राइज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने एक इनाम जीता। नेक्स्ट वर्ड इज रेस। रेस का मतलब होता है दौड़। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टूड फर्स्ट इन द रेस, मैं दौड़ में प्रथम आया। नेक्स्ट रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होगा, खतरा। एग्जाम्पल देखिए इसका, योर लाइफ इज एट रिस्क, आपकी जिंदगी खतरे में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिडन, HIDDEN, हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शो मी योर हिडन टैलेंट, मुझे अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड मे बी। मे बी का मतलब क्या होगा, शायद। फॉर एग्जाम्पल, मे बी ही विल कम लेट, शायद वह देर से आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990, इस किताब को 1990 में प्रकाशित किया गया था। अगला वर्ड है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होगा, चुन लेना। एग्जाम्पल देखिए, When will I get selected for this competition? मुझे इस प्रतियोगिता के लिए कब चुना जाएगा। Next is tools. Tools का मतलब क्या होता है, औजार। Example देखिए, Where are the tools? औजार कहाँ है। Next word is inform. Inform का मतलब होता है सूचना देना। For example, Who informed you about this? आपको इस बारे में किसने सूचना दी। अगला वर्ड है हमारा लेटर, LATER, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सीवियर पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है। नेक्स्ट इज एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे वास्तविक स्थिति का नहीं पता। नेक्स्ट अर्न, EARN, अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हो। अगला वर्ड है हमारा कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, ग्राहक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं आपका रोज का ग्राहक हूँ या मैं आपका नियमित ग्राहक हूँ। नेक्स्ट मैनेज। मैनेज का मतलब होता है संभालना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी आई मैनेज, चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। अगला वर्ड है हमारा मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अगला वर्ड देखिए बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर इज वेरी नाइस, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड इज मैच। मैच का मतलब होता है मुकाबला। एग्जाम्पल देखिए, वी वॉन द फाइनल मैच, हम आखिरी मुकाबला जीत गए। नेक्स्ट वर्ड पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यात्री ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पोल, POLE, पोल। पोल का मतलब होता है खंबा। फॉर एग्जाम्पल, दिस पोल इज मेड ऑफ स्टील, यह खंबा स्टील का बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है। नेक्स्ट शूट, SHOOT, शूट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मूव और आई शूट यू, हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगला वर्ड है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। एग्जाम्पल देखिए, द इवेंट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजन्स, कुछ कारणों की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।
अगला वर्ड है लैक। लैक का मतलब होता है कमी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो लैक ऑफ मनी इन माई हाउस, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर प्रोड्यूस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस साल अच्छी फसल उत्पन्न हुई। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। नेक्स्ट ब्लड। ब्लड का मतलब होता है खून। एग्जाम्पल देखिए, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, खून का रंग लाल होता है। अगला वर्ड है हमारा करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है ठीक या सही। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ माई आंसर्स वर करेक्ट, मेरे सभी जवाब या मेरे सभी आंसर्स क्या थे, करेक्ट थे, एकदम सही थे। अगला वर्ड है होल, HOLE, होल। होल का मतलब होता है छेद। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ होल इन योर शर्ट, आपकी कमीज में एक छेद है। अगला वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इस बिल्डिंग का ढांचा बहुत ही मजबूत है। अगला वर्ड है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, स्थिति मेरे कंट्रोल से या स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। नेक्स्ट वर्ड इज मैजिकल। मैजिकल का मतलब होता है जादुई। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगला वर्ड है सिली। सिली का मतलब होता है बेवकूफ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो सिली, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। नेक्स्ट वर्ड अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। नेक्स्ट वर्ड ब्रीद। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीद प्रॉपरली, मरीज ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। नेक्स्ट वर्ड फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। नेक्स्ट वर्ड इज टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। एग्जाम्पल देखिए, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बहुत ही लंबी है। अगला वर्ड है हमारा स्लीप। ASLEEP, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीप, मैं सोया हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कलेक्टेड 2000 रुपीज, मैंने 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चेंज्ड माई डिसीजन, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अगला वर्ड देखिए मैरी। MARRY, मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। फॉर एग्जाम्पल, वेन विल यू मैरी मी, आप मुझसे कब शादी करोगे। अगला वर्ड है हमारा मैरिड। MARRIED, मैरिड। मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट मैरिड, वह शादीशुदा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। नेक्स्ट वेक। WAKE, वेक। वेक का मतलब होता है जागना। फॉर एग्जाम्पल, वेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब जागते हो। नेक्स्ट वर्ड इज अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लिव अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो। नेक्स्ट स्पेस। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी खाली जगह की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बर्ड्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द केज, पिंजरे से सभी पक्षियों को छोड़ दिया गया।
नेक्स्ट वर्ड देखिए रिक्वायर, आर ई क्यू यू आई आर ई, रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इज ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलम्बस, अमेरिका की खोज कोलम्बस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वर्ड आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है टापू। ध्यान रखना यहाँ पे एस साइलेंट है, तो एस को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। तो आइलैंड का मतलब होता है टापू। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी लिव्स ऑन दिस आइलैंड, इस टापू पर कोई भी नहीं रहता। नेक्स्ट वर्ड सेव, एस ए वे ई, सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डिड यू सेव, आपने कितने पैसे बचाए। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। फॉर एग्जाम्पल, इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद बहुत ही गजब है। नेक्स्ट वर्ड स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड वॉक अराउंड 500 स्टेप्स आफ्टर डिनर, हमें रात के भोजन के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेंस, कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ द कर्टेंस, पर्दे लगा दो। नेक्स्ट वर्ड इज फार, एफ ए आर, फार। फार का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल, दैट हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हेयर, वह हॉस्पिटल यहाँ से दूर है। नेक्स्ट वर्ड इज फोकस, फोकस का मतलब होता है ध्यान लगाना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज पर्पस, पर्पस का मतलब होता है मकसद या इरादा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर पर्पस टू कम हेयर, आपका यहाँ आने का क्या मकसद है। नेक्स्ट वर्ड एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ट्राइंग टू एनकरेज यू, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। अगला वर्ड है देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक देयरफॉर आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। अगला वर्ड है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगला वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 लाख रुपीज़ फॉर द हॉस्पिटल, उसने अस्पताल के लिए 50 लाख रुपये योगदान दिए। अगला वर्ड है हमारा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या इन दोनों में तुम्हें कोई अंतर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट्स कंडीशन वॉज नॉट गुड, मरीज की स्थिति सही नहीं थी। अगला वर्ड है हमारा चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, डोंट सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में मत बैठो। नेक्स्ट वर्ड अलाउ, ए डबल एल ओ डब्ल्यू, अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर, मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दूंगा। नेक्स्ट वर्ड वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़। फॉर एग्जाम्पल, योर वॉइस इज मेलोडियस, आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या मीठी। नेक्स्ट वर्ड अपसेट, अपसेट का मतलब होता है निराश या परेशान। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने निराश या परेशान क्यों हो। नेक्स्ट इज रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौट जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न्ड टू दिल्ली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वह दिल्ली लौट गया। नेक्स्ट इज डेड, डेड का मतलब होता है मृत, डी ई ए डी, डेड। डेड का मतलब क्या होगा, मृत। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड डेड ऑन द रोड, वह सड़क पर मृत पाया गया। नेक्स्ट वर्ड इज चॉइस, चॉइस का मतलब होता है विकल्प। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव एनी चॉइस,
तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट वर्ड विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई दे या दृश्य। फॉर एग्जाम्पल योर हाउस इज विजिबल फ्रॉम हेयर। आपका घर यहाँ से दिखाई देता है, यानी कि आपका घर यहाँ से विजिबल है। देखते हैं आज का लास्ट वर्ड, दैट इज इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है दोस्तों अदृश्य, जो दिखाई ना दे। फॉर एग्जाम्पल ही इज इनविजिबल, वह अदृश्य है या उसको देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स डेली यूज़ के थे, एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसको आप और मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। मैंने आपको सेंटेंसेस में यूज़ करके भी दिखाए ये वर्ड्स, तो आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बोलने की कोशिश करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।